गुड मॉर्निंग सनरेखा प्राइवेट आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस नए वीडियो में फिटार के हैंड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। अक्सर हम लोग अपना घरेलू क्षेत्र में बहुत सारा टूल्स को हम लोग देखते हैं, लेकिन अपना क्षेत्रीय भाषा के आधार पर उसको एक अलग नाम से उसको हम लोग जानते हैं। हालांकि टेक्निकल भाषा में एक ही नाम से हर एक क्षेत्र में उसको जाना जाता है। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में काम कीजिएगा, किसी भी वर्कशॉप में काम कीजिएगा, तो उसी नाम से उसको जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। विदेश में जाइएगा तब पर भी उसी नाम में उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए पहला टूल्स हम लोग देखेंगे कि देखिए इसको बोलते हैं फाइल। क्या बोलते हैं इसको? फाइल। ठीक है, ये जो क्या है हैंड टूल्स है, ये फाइल है। क्या है? फाइल है। ये जो फाइल है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कार्य भी जानेंगे, नाम भी पहचानेंगे, इसको फाइल बोलते हैं। तो टेक्निकल दुनिया में फाइल का भी प्रकार है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे करके सभी प्रकार का जो फाइल है उसको पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, कार्य भी पहचानेंगे। और कार्य क्या क्या, किस फाइल में क्या क्या कार्य होते हैं उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्लैट फाइल बोलते हैं, जिसके द्वारा किसी भी अनावश्यक धातु को कण कण के रूप में इसको हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं, यानी जब से धातु को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की फाइल को क्या बोलते हैं? फ्लैट फाइल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की फाइल क्या बोलते हैं? फ्लैट फाइल बोलते हैं। जैसे इसको हैंडल बोलते हैं, ठीक है, दोनों साइड को फेस बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं, इसको पॉइंट बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग डेली वीडियो को हम लोग इस तरह बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे सब टूल्स को पहचानेंगे, तो इसको फ्लैट फाइल बोलते हैं। अगला टूल्स में आएंगे, देखिए इसको हम लोग देखे हैं लेकिन अपना क्षेत्र में इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। जैसे इसका नाम क्या हो गया? हेमार। क्या बोलते हैं इसको? हेमार बोलते हैं। तो इसको हम लोग जैसे कि हेमार हो गया, तो ये हेमार हो गया, इसको हम लोग अपना घरेलू भाषा में इसको क्या बोलते हैं? मातूल बोलते हैं। बिल्कुल हम लोग उस भाषा को भूल जाएंगे, टेक्निकल भाषा को हम लोग यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं क्या? हेमार। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? किसी भी कील को कांटी को हम लोग क्या करते हैं? ठोकने, पीटने, चोट मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठोकने, पीटने, चोट मारने के लिए क्या करते हैं? इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका भी प्रकार है, इसको हैंड हेमार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हैंड हेमार बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी प्रकार होता है। ठीक है, उसको हम लोग जो प्रकार है उसको धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम लोग पहचानेंगे कौन सा मतलब औजार क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे इसको नाम बता दूंगा कि इसको इस भाग को क्या बोलते हैं? हैंडल बोलते हैं, इसको फेस बोलते हैं, इसको बल बोलते हैं, यानी इसको बलपन हेमार बोलते हैं। हैंड हेमार है लेकिन उसमें वर्गीकरण किया गया है, जिसको हम लोग बलपन हेमार के नाम से इसको हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, इसको एज बोलते हैं, आई होल बोलते हैं, इसको जो इसे लगा हो रहेगा तो उसको एज बोलते हैं, और ये होल जो है इसको
आयोल बोलते हैं, इसको नेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या बलपन हमारा। तो फिर हम लोग देखेंगे और जैसे कि हो गया आपका ये क्या हो गया स्टील रूल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया स्टील रूल हो गया। इसको हम लोग अक्सर क्या करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं उस समय हम लोग अक्सर इस रूल को यूज नहीं करते हैं, लेकिन कंपनी क्षेत्र में इसका अधिक यूज होता है। क्योंकि ये क्या होता है कि एक लोहे में अगर चोट भी लग जाएगा, किसी अपना औजार में भी चोट लग जाएगा, तो टूटने का संभावना नहीं रहता है। प्लास्टिक वाला क्या होता है बहुत जल्दी टूट जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक होल बना हुआ है, इसको हम लोग काम करने के बाद किसी भी कांटी में इसको ऐसे होल में इसको ये कर देंगे, कांटी इसे टांग देंगे तो आसानी से क्या हो एक सुरक्षित जगह में रह जाता है। तो देखिए स्टील रूल है, इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में मिलीमीटर में इंच में हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी जगह का मापी ले सकते हैं। इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको देखिए हम लोग टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं हेमर, ये सॉरी इसको हेक्सा फ्रेम बोलते हैं या हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, यानी इसको इस भाग को ब्लेड बोलते हैं, इस पूरा भाग को हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग किसी भी जब को अनावश्यक धातु को टुकड़ा कर सकते हैं। यानी लंबे जब अगर मान लीजिए रहेगा तो हम लोग मान लीजिए एक जब का पीस है, इसको हम लोग किसी भी माप में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपको काटना है, मान लीजिए आपको 40 mm का बनाना है यानी 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या इतना लंबा जब तो हम लोग ये नहीं कर सकते। इसलिए क्या करेंगे उसको 40 mm का जो मतलब जहाँ तक होगा, ठीक है, तो वहाँ तक हम लोग मार्किंग करने के बाद इसको क्या करते हैं इस फ्रेम के द्वारा ब्लेड लगाकर क्या करते हैं जब को टुकड़ा कर सकते हैं, काटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया हेक्सो हो गया। ठीक है, हमेशा इसको क्या करते हैं हम लोग ये जो विंग नट के द्वारा ब्लेड को क्या करते हैं लक करते हैं, फिट करते हैं और काटिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं। धीरे धीरे काटिंग करके हम लोग क्या करते हैं काटिंग करते करते जब को अलग कर देते हैं, मतलब टुकड़ा कर देते हैं, और उसको हम लोग विभिन्न फाइल के द्वारा विभिन्न काटिंग टूल्स के द्वारा उसको हम लोग काट मतलब फाइलिंग के माध्यम से कटिंग के माध्यम से उसको क्या करते हैं जब को पूरा करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते देखिए ये हो गया आपका हैंडल हो गया, ये फ्रेम हो गया, इसको विंग नट बोलते हैं, इसको पिन बोलते हैं, ठीक है, इसको पिन बोलते हैं और इसको ब्लेड बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप हेक्सा फ्रेम में किसी ब्लेड को अगर लगाइएगा तो टीथ जो रहता है हमेशा विंग नट की ओर रहता है, ये जो दांते जो बने होते हैं हमेशा विंग नट की ओर टीथ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लाते समय नहीं काटता है, जब हम लोग इसको आगे की ओर ले जाते हैं उस समय ये काटिंग प्रक्रिया को पूरा करता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अरे हमेशा कितना कभी कभी पूछता है कि कितना डिग्री एंगल में बना हुआ है, कि आपका 90 डिग्री एंगल में बना हुआ है, लेकिन इसको क्या किए ग्राइंडिंग के माध्यम से फाइलिंग के माध्यम से क्या किए इसको हम लोग रेडियस बना दिए। ठीक है, ताकि फाइलिंग करते समय हाथ में चोट नहीं आए। देखिए ये हो गया आपका पंच बोलते हैं इसको। ठीक है, इस पंच के द्वारा हम लोग क्या करते हैं किसी भी जब को मार्किंग करते हैं, मार्किंग करने के बाद ये पंच और हेमर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग चोट मार के उस निशान को पक्का करते हैं, स्थाई कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए। और तीन टूल्स हैं ये, देखिए ये आप लोगों को नए नए चीज देखने मिल रहा है। इसको हम लोग एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र के नाम से भी इसको हम लोग जाने जाते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे कि देखिए ये आपका क्या है स्टील रूल है, पहले बता चुके हैं, ये एक प्रत्यक्ष मापक यंत्र है, मापने के तुरंत बाद पता चलता है कितना सेंटीमीटर है, कितना मिलीमीटर है, कितना इंच है।
तुरंत पता चल जाता है। लेकिन इसके द्वारा भी हम लोग जब को माप सकते हैं, लेकिन तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, क्या मतलब इसमें बता नहीं सकते हैं कि कितना मिलीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, कितना इंच है, ये हम तुरंत बता नहीं सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्टील रूल या कोई भी मापक यंत्र का प्रयोग करके हम लोग उस मान को ज्ञात कर सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए इसको पहचाना ये टूल्स आ रहा है जिसको हम लोग डिवाइडर बोलते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, चाप लेकर ठीक है बना सकते हैं, अर्धवृत्त बना सकते हैं, रेडियस खींच सकते हैं, ये सब मतलब खींचने के लिए 90 डिग्री काट सकते हैं, 30 डिग्री काट सकते हैं, 45 डिग्री बना सकते हैं, इस सब के लिए क्या करते हैं हम लोग डिवाइडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक आपको वृत्त बनाना है तो इसमें हम लोग आसान खोल सकते हैं क्या 5 सेंटीमीटर, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम लोगों को देखिए आपका स्टील रूल का 5 सेंटीमीटर बोलेगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका ये ऐसे ऐसे खोलेंगे, खोलने के बाद यहाँ से मापेंगे, मापने के बाद होगा तो फिर इसको घुमाएंगे, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग इसके द्वारा वृत्त बना सकते हैं, रेडियस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, अप्रत्यक्ष मापक यंत्र, जिसके द्वारा मापने के तुरंत बाद मान नहीं पता चलता है। ठीक है, अब जानेंगे देखिए ये दो टूल्स, एक क्या हो गया एक आउटसाइड कैलिपर और ये क्या हो गया एक इनसाइड कैलिपर। ठीक है, इसके द्वारा भी हम लोग मापने के तुरंत बाद मान नहीं पता सकता है, नहीं बता सकते हैं, ये हो गया आउटसाइड कैलिपर, ये हो गया इनसाइड कैलिपर। इससे हम लोग पहचानने के लिए एक आसान तरीका है, जिस कैलिपर का अंदरूनी भाग पर दोनों लेग मुड़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड कैलिपर, जिसके द्वारा हम लोग देखिए मान लीजिए आपको हम इसको मापें तो जब क्या बाहरी व्यास को माप रहे हैं इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, और देखिए जैसे कि आपका जैसे देखिए आपका इनसाइड कैलिपर, अगर मान लीजिए ये कितना यहां से यहां कितना ये आपका व्यास है तो इसके द्वारा इसको हम लोग खोल के इसको हम लोग जान सकते हैं। देखिए धीरे-धीरे खोलेगा तो ऐसे करके आपके यानी अंदरूनी भाग को हम लोग अंदरूनी भाग का जो व्यास होता है यानी पाइप हो गया खोखले पाइप का कितना व्यास है, कितना मिलीमीटर है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन मापने के तुरंत बाद नहीं बता सकते। इसे अंदरूनी भाग को हम लोग इससे पता करते हैं, स्टील रूल से पता कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट माप नहीं पता नहीं कर सकते। जैसे पाइप हो गया, इसमें जैसे कि आपको पता चल रहा है, लेकिन पाइप क्या गोली है उससे क्या आप बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते। इसलिए क्या करते हैं हम लोग ये आपका इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करके उसको हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्या फिटर का हैंड टूल से आप लोगों को परिचित करा रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लोग सभी टूल्स आप लोगों से अवगत कराएंगे, आप लोगों को अवगत कराएंगे ताकि आपको देखने के पता चले कि कौन सा क्या टूल से काम कर सकते हैं, क्योंकि फिटर में बहुत सारा हैंड टूल से बहुत सारा मशीन है, एक वीडियो में तो संभव नहीं है कि सारा टूल्स आप लोगों को दिखा देंगे और सारा टूल्स का नाम भी बता देंगे और आप उसको आसानी से पहचान जाइएगा, लेकिन धीरे 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 करके हम लोग पार्ट पार्ट में बांट कर बांटेंगे वीडियो आप लोगों को क्या आते रहेंगे और आप लोग उसको देखिएगा, देखने के साथ साथ उसको क्या कीजिएगा आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, फिगर भी बना लीजिएगा ताकि कभी भी अपना कभी पलटने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टूल से। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।